आपका स्वागत है उत्पल चौधरी टेक गुरुजी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए 2018 मारुति सुजुकी अर्टिका जेडी प्लस पहला ड्राइव रिव्यू। किफायत से ज्यादा माइलेज देने वाली है एमपीवी। एमपीवी यानी कि मल्टीपर्पज व्हीकल, या कहें ज्यादातर लोग किसी एक सेगमेंट में जाना पसंद करते हैं, तो वो भारत में यही नहीं एमपीवी सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसी सेगमेंट का भारत में सबसे बेहतरीन उदाहरण है मारुति सुजुकी अर्टिगा। लगभग ये वही समय था जब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी इस 7-सीटर मॉडल को एमपीवी में बदल चुकी है। महिंद्रा द्वारा लॉन्च की गई प्रेरित मराजो के कुछ महीनों के भीतर ही मारुति सुजुकी ने अपनी अगली जनरेशन 2018 अर्टिगा को लॉन्च किया। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत रखी 7.44 लाख, जो कि बाद में 10.90 लाख तक पहुंची। ZDI प्लस डीजल मॉडल तक जाती है। नई जनरेशन अर्टिगा एमपीवी सेगमेंट में अपने सभी कॉम्पिटिटर्स की तुलना में काफी आरामदायक और किफायती मॉडल है। इसमें क्या नया है? शुरुआत में हम आपको बता दें कि मारुति सुजुकी ने अपनी अगली जनरेशन अर्टिगा के डेवलपमेंट के लिए करीब 900 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसके चलते ये अब पहले से लंबी, चौड़ी और बोल्ड है। इसके अलावा ये एक फ्लोटिंग रूफ के साथ आती है, जो कि इस वाहन के समग्र अनुपात के साथ सहजता से जुड़ा है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई अर्टिगा की लंबाई 90 मिलीमीटर बढ़ाई गई है। आप अर्टिगा के पीछे के दरवाजे खोलते हैं तो ये काफी योग्य लगती है। कार के फ्रंट लुक को देखें तो इसके हुड को बढ़ाया गया है। जब आप इसकी ग्रिल की तरफ देखें तो आप मुस्कुराते हुए चमकदार सभी क्रोम ग्रिल के साथ उठाए गए हुड को पाते हैं, और ये प्रोजेक्टर हैंड लैंप के बीच सहजता से बैठता है, जो कि आप सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड देखेंगे। इसका फ्रंट फेस काफी प्रीमियम और अपमार्केट है, लेकिन इससे भी अधिक ये साफ तौर पर 18-19 तैयार मॉडल दिखता है। जी हाँ दोस्तों, 2018 से 19 का ये तैयार मॉडल है। अर्टिगा के रियर को भी थोड़ा ताकतवर बनाया गया है। इसमें आप एक नया हेडलैम्प डिजाइन देखते हैं, जो वॉल्वो डिजाइन भाषा के साथ काफी समान है, और फिर से मारुति सुजुकी के डिजाइनर्स द्वारा बहुत ही स्वाद पूर्ण ढंग से तैयार किया गया है। कुल मिलाकर एक्सटीरियर डिजाइन में नई अर्टिगा का सब कुछ नया है, और इसे 5 साल तक आसानी से अपनाया जा सकता है। इसके अलावा इस एमपीवी में नए अलॉय व्हील डिजाइन किए गए हैं, जिसके चलते लुक काफी बैलेंस्ड है। इसमें 15 इंच के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें रेनो लॉजी पर देखा गया एक ब्रेड बॉक्स डिजाइन जैसा नहीं दिया गया है। इंटीरियर की बात करें तो अर्टिगा के दरवाजे खोलकर जब अंदर बैठें तो यहां सबसे पहले आपको ज्यादा स्पेस दिखेगा, क्योंकि पुरानी अर्टिगा ने भी 7 पैसेंजर्स के लिए एक डिसेंट स्पेस पेश किया था। अब इसे थोड़ा लग्जरी बनाया गया है। केबिन भी बेज अपहोल्स्ट्री के साथ एक कमरे की भावना देता है, जो अपने नए केबिन डिजाइन के साथ एक अच्छा मिश्रण है। फ्रंट डैशबोर्ड को नई अर्टिगा पर मारुति सुजुकी द्वारा फिर से बनाया गया है, और अब इसमें मैपल वुड फिनिश के साथ क्रोम का काफी इस्तेमाल किया गया है। अब ये कुछ ऐसा है जो दिमाग में व्यवहारिकता के साथ स्वाद पूर्वक किया गया है। मैपल वुड फिनिश काफी अपरिवर्तनीय है, और इसमें मैट टच किया गया है, जिसका मतलब है कि लंबे समय तक चलने वाला और मेंटेन रखने में आसान होगा। इसके अलावा इंफोटेनमेंट पैनल के फोम पर पियानो ब्लैक फिनिश का भी उपयोग किया गया है, जो नई अर्टिगा के सामने दोनों तरफ से बैलेंस्ड है। इसके अलावा आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ फ्रंट में एक फर्स्ट इन क्लास एयर कूल ट्विन कप होल्डर्स पाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और मध्यम पंक्ति के एसी वेंट्स, फ्लेक्सिबल लगेज स्पेस, हाइजीनिक चीजें व्यवहारिकता के लिए मौजूद हैं। ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें बेहतरीन ढंग से रखी गई हैं, ताकि उन तक आसानी से पहुंचा जाए, और इसके साथ ही तीसरी पंक्ति अब आसानी से फोल्ड हो सकती है। बूट स्पेस में अब कुछ गुप्त कंपार्टमेंट मिलते हैं, जिनकी आप अर्टिगा में बहुत सराहना करेंगे। अर्टिगा हमेशा से लोकप्रिय एमपीवी रही है, जो व्यवहारिक और ईंधन कुशल है। इन्हीं शर्तों में ये अभी भी साफ जाहिर होती है। हमने फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के लिए नई अर्टिगा का मैनुअल डीजल वेरिएंट चलाया, और इसका लंबा, चौड़ा और ऊंचा स्वरूप कुल ड्राइविंग गतिशीलता को प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों, अर्टिगा को किसे खरीदना चाहिए? आपको बता दें, मारुति सुजुकी की नई अर्टिगा एक ऑलराउंड एमपीवी है। कई लोग इसकी महिंद्रा मराजो और बोल्डर लुक वाली टोयोटा इनोवा से तुलना करेंगे, लेकिन हमारी राय में इन तीनों कारों के लिए ये अनुचित है, जो कि विभिन्न आकार, इंजन और उपकरणों की पेशकश करते हैं। इन तीनों के बीच सिर्फ एक ही समानता है, 7 सीटें। तो नई अर्टिगा को क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा वाहन है जो परिवार के लिए बनाया गया है, जिसमें एक साथ ड्राइविंग करना लोग पसंद करते हैं। इसे चलाने वाले ईंधन दक्षता के बारे में चिंतित नहीं होते। इसके अलावा ये एक बजट में आने वाली अच्छी तरह से निर्मित एमपीवी है। रेनोलॉजी नई अर्टिगा की करीबी प्रतिद्वंदी है, लेकिन मारुति सुजुकी की नई अर्टिगा के मुकाबले काफी पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा इसकी कीमतें
इसे आकर्षक बनाती हैं। इसीलिए अगर आप अपनी सभी ज़रूरतों के मुताबिक नई अर्टिगा को खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतर और किफ़ायती कार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जुड़े रहिए उत्पल चौधरी टेक गुरुजी के साथ।